ऑलराइट, तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है जी? अच्छा वो पढ़ लिया, एवेल्युएट वेदर बीएच शुड सेल एशियन फूड। अब हम पढ़ते हैं, बाय सेलिंग एशियन फूड बीएच वुड बी एबल टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कोई बताएगा ये क्या है? ये क्या है, कोई बता दे, एनीवन। आप जितना बताएंगे उतना ही आपको ज्यादा समझ आएगी। कोई नहीं बता सकता, दिस इज नॉलेज। क्यों? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अच्छा सफी, आपने हैंड रेज किया था, चले कोई बात नहीं। उसने कहा कि इससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ेगा, तो वो एडवांटेज तो बता रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो उसने क्या किया कि यूजिंग मेंशनिंग नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये नॉलेज है, ठीक है जी। तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि नॉलेज है इसलिए। अच्छा और कौन सी नॉलेज है, आगे देख लेते हैं। लेवल वन है कि लेवल टू है? देर आर सिक्स कॉम्पिटिटर्स हु ऑल्सो सेल एशियन फूड, सो इट इज रीजनेबल। अच्छा ये आगे सो मैं बाद में जाता हूं। सो का मतलब क्या है? यूज ऑफ कनेक्टिव, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है, अब मैंने आपको यही बताया था, ये अब प्रिसाइजली केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया है कि छह कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इसका मतलब है दिस इज एप्लीकेशन। अभी लेवल वन लेवल टू पे मैं नहीं जा रहा, सिर्फ मेंशन करता जा रहा हूं। अच्छा उसने कहा छह कॉम्पिटिटर्स हैं, सो इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट देर इज अ बिग मार्केट फॉर दिस फूड। ओके ठीक है, उसने थोड़ा सा डेवलप किया कि छह है इसका मतलब है मार्केट बड़ी है। अच्छा फिर दिस कुड लीड टू एन इंक्रीज इन बीएच सेल्स रेवेन्यू एज दे विल अपील टू अ बिगर शेयर ऑफ द मार्केट। मार्केट शेयर बड़ा है तो सेल ज्यादा कर सकती है, एंड दिस कुड इंक्रीज देयर प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर। ठीक हो गया, तो यहां तक हम अभी रुक जाते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास आ गया इम्पैक्ट, ठीक है जी। ये है हमारे पास इम्पैक्ट। तो अब हम अगर देखें तो ये सारा इम्पैक्ट ही आ रहा है। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट देयर इज अ बिग मार्केट। अच्छा बिग मार्केट है तो उससे क्या होगा, सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा सेल्स एंड रेवेन्यू अब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, यही है ना, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा साथ, ठीक है ना। तो इन दो इम्पैक्ट आ रही है, चेयर ऑफ एनालिसिस इज देयर। तो मैं इसको कलर कर रहा हूं पिंक, मतलब एनालिसिस मौजूद है, चेन भी मौजूद है, क्योंकि एटलीस्ट दो इम्पैक्ट मौजूद हैं। मार्केट बड़ी है तो सेल ज्यादा होगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, दो इम्पैक्ट आ गए। इसका मतलब है तो क्या हमने नॉलेज का जो पॉइंट था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसको इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। हमने एप्लीकेशन जो छह कंपाइटर थे उनको इस्तेमाल किया डेवलपमेंट में? बिल्कुल किया। इसका मतलब है द कैंडिडेट हैज यूज्ड नॉलेज एंड एप्लीकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द आंसर सक्सेसफुली। एनालिसिस में इस्तेमाल हुआ है, उसी को कैरी ऑन किया उसने। इसका मतलब है कि अब हम यहां लिखेंगे कि जो नॉलेज है वो भी डेवलप्ड है, लेवल टू नॉलेज, राइट। फिर मैं अगर एप्लीकेशन में आ जाऊं तो डेवलपमेंट तो मैंने ब्लू कलर से उतना ही किया है, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही है ना। अच्छा तो ये आ गया जी हमारे पास लेवल टू एप्लीकेशन, ये भी हो गई लेवल टू एप्लीकेशन। अच्छा किसी का क्वेश्चन है, मैं जरा देख लूं क्या कह रहे हैं। सर कैन आई अचीव अ नॉलेज और एनालिसिस बाय स्टार्टिंग विद एड्रेसिंग द क्वेश्चन? देखो नहीं, अगर आप क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो तो मैंने बताया कि वो वैल्यूएशन बन जाती है, याद रखना आपने। इफ देयर इज नो नॉलेज टू शो इन दिस केस बी एच शुड कंसीडर यूजिंग एजियन फूड इन ऑर्डर टू बी हायर एंड ऑफ मार्केट। देखो नॉलेज के लिए आपको सिलेबस के किसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है, ये आपने याद रख लीजिए, ठीक है। आप अगर पॉइंट मेंशन कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो नॉलेज ही है जो एडवांटेज बताते हैं, लेकिन बिजनेस कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और अच्छी बात है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं करना। अच्छा और ये क्या है जी हमारे पास, ये है लेवल टू एनालिसिस जी। सर सही है जो आपने ग्रीन से हाईलाइट किया है, ये डायरेक्टली लेवल टू नॉलेज है। नहीं ये डायरेक्ट नहीं है, ये लेवल वन नॉलेज था, लेकिन क्या उसने कहा कि इससे आप एक्सपैंड कर पाएंगे अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो,
और उससे क्या होगा, उससे सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कनेक्शन बन गया ना। तो इसलिए मैंने ग्रीन सिर्फ दिखाया है नॉलेज की, ये लेवल 1 थी, लेकिन चूंकि इसको कैरी ऑन किया गया है डेवलपमेंट में भी, चूंकि जब हम बात करते हैं ना एनालिसिस की जो कॉन्टेक्स्ट में होता है, तो याद रखना है कि जो एनालिसिस इन कॉन्टेक्स्ट होता है वो उसमें एप्लीकेशन भी शामिल हो जाती है, तो एप्लीकेशन भी लेवल 2 पे चली जाती है। और अगर नॉलेज के पॉइंट को आपने कैरी ऑन किया है अपनी डेवलपमेंट में, तो नॉलेज भी डेवलप्ड हो जाती है, तो वो लेवल 2 पे नॉलेज भी पहुंच जाती है। तो ये ओवरलैपिंग चीजें समझ आ रही है। और सर जो आपने ब्लू से हाईलाइट किया है वो लेवल 2 एप्लीकेशन कैसे है? वो इसलिए वो खाली वो लेवल 1 है जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया, लेकिन क्या 6 कॉम्पिटिटर्स का कह के आगे उसको इस्तेमाल किया है डेवलपमेंट में, इस तरह इस्तेमाल किया है कि कंपेटिटर अगर 6 हैं तो इसका मतलब है मार्केट भी बड़ी है। देखो, सो इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट देयर इज अ बिग मार्केट। इसका मतलब है वो 6 कंपेटिटर जो उसने मेंशन किए एप्लीकेशन, उसको इस्तेमाल किया डेवलपमेंट, तो एप्लीकेशन डेवलप हो गई। समझ आई। जी सर, ओके। अब ये अब याद रखना है कि डेवलप नॉलेज के लिए, यानी कि लेवल 2 नॉलेज के लिए और लेवल 2 एप्लीकेशन के लिए, आपको एक से ज्यादा इम्पैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। एक भी इम्पैक्ट होगा तो लेवल 2 पे जाओगे नॉलेज की भी, लेवल 2 एप्लीकेशन पे भी जाओगे, ठीक है, लेकिन लेवल 2 एनालिसिस भी नहीं जाओगे जब तक इसके 2 इम्पैक्ट मिनिमम ना हो। मैं तो कहता हूँ 3 बता दो, लेकिन आपको चाहिए टेक योर पॉइंट टू द वेरी एंड कि उसको टच करें प्रॉफिट पे, सेल्स पे, जहां पे भी जाना है आपने। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमें नंबर कितने मिल गए अभी तक? अच्छा, ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। दिस इज लाइकली टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट एज टू व्हाई बीएच शुड स्टार्ट सेलिंग एशियन फूड। ये क्या है, कोई बता सकता है? जी सफिया, आप हैंड रेज कर रही हो। लेवल 1 इवैल्यूएशन। वेरी गुड, ये एवेल्यूएशन है। मैंने आपको क्या बताया था कि इसे कहते हैं एवेल्यूएशन इन द बॉडी। आपने एक आर्गुमेंट दिया और उस आर्गुमेंट के बारे में बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब जारी बात है, ओवरऑल एवेल्यूशन तो नहीं है, लेकिन आर्गुमेंट के बाद क्या आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया? बिल्कुल किया। कि सवाल तो यही है ना कि एशियन फूड सेल करे कि ना करे, तो आप तो कह रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, इसका मतलब है आप एड्रेस तो कर रहे हैं। फाइनल रिकमेंडेशन तो आप एंड भी देंगे ऑफकोर्स, तो ये बिल्कुल हमारे पास एवेल्यूशन है। मैं इसको कलर हम क्या करते रहे हैं पहले, येलो, यस। तो इसने चूंकि इसको डेवलप ज्यादा नहीं किया, ऊपर वाले ही पॉइंट का सहारा ले रहा है ये, तो मैं इसको लेवल 1 एवोल्यूशन दूंगा। और आप इमेजिन करो कि लेवल 1 एवोल्यूशन के नंबर कितने होते हैं, कोई बताएगा? 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। जो देख लो फिर कितना आसान कर दिया एग्जामिनर ने, तो क्योंकि उसने ऊपर जो डेवलपमेंट किया है उसी को यूज किया कि ये इस रीजन की वजह से, तो ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट लिख दें, उसने कहा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट यही वाला है। अगर आप कोई और आर्गुमेंट देना चाह रहे हैं तो फिर उसको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ते भी रहे हैं, पहले आपको सिर्फ ये पता होगा काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि ये बेस्ट है या नहीं है, तो वो फिर आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये उसने उसी आर्गुमेंट को जो ऊपर जो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया है उसी को यूज किया। अच्छा, लेवल 1 है ये। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम आगे। हाउएवर The competitors who sell Asian food have more experience in the market, and unlike BH, their employees are likely to have experience in लिखना था भूल गया है, in cooking and selling Asian food. ठीक है? This is likely to mean that BH would not be able to compete with these other businesses, and it may damage BH reputation in selling burgers, kebabs, pizza, and side orders. ठीक है जी, तो ये क्या चल रहा है? अच्छा, दिस कुड लीड टू अ रिडक्शन इन बीएच सेल्स ऑफ देयर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, अ लॉस ऑफ सेल्स रेवेन्यू एंड अ रिडक्शन इन प्रॉफिट। ठीक है, तो बीएच शेयर मार्केट माइट इवन रिड्यूस। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, इसने एनालिसिस बताया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो इसने मेंशन किया है कि वो डैमेज करेगी बीएच की रेपुटेशन, ठीक है ना, यहां से एंड इट में, ये क्या है, को बताएगा बच्चा? जी सफिया, एप्लीकेशन जी एप्लीकेशन है बिल्कुल, लेकिन क्या इसने इनको आगे इस्तेमाल, दिस कुड लीड टू अ रिडक्शन इन बीएच सेल्स,
जो उसने बर्गर कबाब पिज्जा साइड ऑर्डर का इस्तेमाल किया है, इसको तो कहीं इस्तेमाल नहीं किया उसने। आगे उसने क्या किया कि नहीं किया? आगे देखो, दिस कुड लीड टू रिडक्शन इन बियर सेल्स ट्रेडिशनल ऑफ प्रोडक्ट्स। देयर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। तो उसने कहा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की सेल गिरेगी। अपना इम्पैक्ट दिखाते हुए, एनालिसिस करते हुए, उसने जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है कबाब बर्गर, उनको यूज किया है। इट मीन्स ही डज नॉट ही डिड नॉट ओनली मेंशन द एप्लीकेशन, उसने उसको डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब है ये डेवलप्ड एप्लीकेशन है, ठीक है? लेकिन मैं इसको ब्लू नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारा एनालिसिस में ही आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, लेवल टू एप्लीकेशन, क्योंकि उसने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है। अच्छा, और अगर हम शुरू से ले लें तो ये सारा क्या चल रहा है? हाउ ओवर, वो जो भी कह रहा है कंपेटिटर ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उससे वो उनको कुकिंग नहीं करनी आती, जिससे उसके लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी तक इम्पैक्ट नहीं आया हुआ। अभी और करो, मैं इसको एनालिसिस मान लेता हूं, लेकिन चूंकि ये आगे कैरी ऑन कर रहा है, अभी तक इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट कहाँ जाकर आया? इम्पैक्ट आया जब वो कह रहा है इट मे डैमेज पीएच रेपुटेशन। ये इम्पैक्ट आया पहला, ठीक है? और डैमेज रेपुटेशन से क्या होगा, उससे सेल्स कम हो जाएगी, ये दूसरा इम्पैक्ट, ठीक है? एंड अ लॉस ऑफ सेल्स रेवेन्यू, ये आ गया इम्पैक्ट। तीसरा इम्पैक्ट क्या है, एंड अ रिडक्शन इन प्रॉफिट, ये भी आ गया सर। तो इम्पैक्ट इसके अंदर मौजूद है सारे, और बीएच शेयर माइट इवन रिड्यूस, ये एक अलग से बात है, ये प्रॉफिट से आगे थोड़ी गया है। इसने वैसे ही एक बात लिखी हुई है, मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा क्योंकि ये इसके साथ जा नहीं रही। तो ये सारा, अच्छा जो ऊपर की तीन लाइन है मैं आपको बता रहा हूँ, वो एनालिसिस नहीं बनना था अगर वो इम्पैक्ट शो ना करता, क्योंकि पहली तीन लाइनों में इम्पैक्ट कहीं नहीं है, वो आया है बाद में थर्ड लाइन के आखिर में, जो मैंने ब्लू की हुई है, जो डेवलप्ड एप्लीकेशन है, वहां से इम्पैक्ट शुरू हुआ है, और उसने तीन इम्पैक्ट बता दिए, चेन ऑफ एनालिसिस डेवलप किया। अच्छा, अगर मैं, तो ये आपका लेवल टू एनालिसिस है। अच्छा, ये भी एनालिसिस ही है वैसे, जो आखिरी लाइन लिखी है ना, पीएच शेयर माइट इवन रिड्यूस है, तो ये भी एनालिसिस, ठीक है ना? मैं अलग-अलग से कर देता हूँ कि अगर वो कंपटीशन ज्यादा होगा तो उसका मार्केट शेयर गिर जाएगा, लेकिन ये लेवल वन एनालिसिस, हम इसको नहीं लेते, जरूरत नहीं है ना। हमारे पास चेन बन गई है, तो हम क्या करेंगे, लेवल टू एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया, हमें टेंशन नहीं। जी ठीक हो गई बात, अब आगे चलते हैं। यहां तक बात हो गई, आगे क्या है? आगे हम कह रहे हैं बीएच शुड सेल एशियन फूड। अब ये क्या हुआ, स्टार्ट किसे किया, बीएच शुड सेल एशियन फूड, क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया? बिल्कुल किया। सवाल तो यही है कि एशियन फूड सेल करे ना करे, इसका मतलब है नाउ द स्टूडेंट इज इन फाइनल वैल्यूएशन, इन टू फाइनल वैल्यूएशन। तो अब वो करे सो दैट आमिर कैन इंक्रीज मार्केट शेयर। अच्छा, बट इट डिपेंड्स ऑन वेदर आमिर कैन मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि क्या अगर वो करे तो वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है, दैट ही सेल्स। इफ बीएच कैन कीप इट्स करंट कस्टमर बेस देन एक्सपेंशन इज लाइकली टू बेनिफिट द बिजनेस, यानी कि अगर वो एजियन फूड लाता है तो क्या वो कस्टमर मेंटेन कर पाता है, वही क्वालिटी देगा। हाउएवर इफ आमिर थिंक्स दैट एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो माइट डैमेज बीएच रेपुटेशन, देन इट इज अनलाइकली टू बी वर्थ द रिस्क। अगर वो नहीं मेंटेन कर सकता तो फिर रिस्क ना ले, ये कह रहा है ना। सिंस बीएच डज नॉट हैव एनी एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस इन कुकिंग और सेलिंग एजियन फूड, तो डेवलप ही कर रहा है साथ, देन इट माइट बी बेटर टू टारगेट अ लेस कंपेटिटिव मार्केट। अब आप गौर करें, इस पूरे को मैं क्या करूंगा, ये है फाइनल एवेल्यूशन, और इसको मैं कर रहा हूं येलो, लेवल थ्री। ये लेवल थ्री क्यों है, मैं लिख देता हूं पहले, फिर आपको बता भी देता हूं साथ। ये है लेवल थ्री इवेल्यूशन, क्यों? एक बात, क्या मैंने जैसे आपको बताया था, लेवल थ्री इवेल्यूशन क्या होती है, जिसमें आप वे अप करते हैं सारे जो आर्गुमेंट ऊपर दिए हैं, तो ये सबको वे अप कर रहा है ना, ऊपर बता भी रहा है कि अगर ये हो जाएगा, अगर वो क्वालिटी बना सकता है तो बनाए, नहीं बना सकता तो रिस्क बढ़ जाएगा ना बनाए। पर आपको लगेगा इसमें काइंड ऑफ अ समरी भी मौजूद है जो ऊपर बात की है, ठीक है ना, काइंड ऑफ अ समरी भी मौजूद है, लेकिन खाली समरी नहीं होनी चाहिए, वरना लेवल थ्री पे नहीं पहुंचेंगे, आपको उसे आगे जाना है। और क्या इसमें एप्लीकेशन है? बिल्कुल है।
वो बता रहा है कि मार्केट जो है लेस कंपैरेटिव मार्केट में चला जाए, क्योंकि वो मार्केट ज्यादा कंपैरेटिव है, इसका मतलब है। और वो शुरू में कह रहा है ना कि उसके जो कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो ट्रेन नहीं है, तो अगर वो नई ट्रेनिंग सही से ले सकते, इसका मतलब वो बिजनेस की इंफॉर्मेशन को भी इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कहा था लेवल थ्री के लिए क्या जरूरी है, एक तो वेइंग अप ऑल द आर्गुमेंट्स जो आपने ऊपर किए हैं, ये वेव किया ना उसने, ठीक है, यानी कि आपने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, दोनों बताने हैं, एक्सेप्ट करने का रीजन, रिजेक्ट करने का रीजन, जो वो बता रहा है, जो ऊपर आर्गुमेंट दिए हैं, प्लस वो कॉन्टेक्स्ट में भी होना चाहिए, एप्लीकेशन भी होनी चाहिए उसके अंदर। तो लेवल थ्री वेरिएशन पे हम चले गए, नंबर मिले 11 12 में से, क्यों मिले, क्या वजह हो गई। अच्छा अब आप गौर करो, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, लेवल थ्री वर्जन में हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब इसके अंदर आप गौर करें तो ऊपर वाली बातें जो है वो दोबारा भी की हुई है, डैमेज हो जाएगी रेपुटेशन, तो ऊपर भी बात की हुई है वाली, तो काइंड ऑफ समरी बीच में आ भी रही है, लेकिन लेवल थ्री पे वो जा रहा है, क्योंकि वो वे अप तो कर रहा है ना कहीं किया है। लेकिन लेवल थ्री पे जाने का मतलब ये नहीं होता कि वैल्यूएशन के सारे नंबर मिल जाएंगे, क्यों, लेवल वन के कितने नंबर है, एवोल्यूशन के 2, लेवल टू एवोल्यूशन के कितने नंबर है, 2, लेवल थ्री के 2। तो हो सकता है एक बच्चा लेवल थ्री पे पहुंच गया है, लेकिन वो लेवल थ्री के 2 नंबर नहीं ले सका, एक नंबर मिला। अच्छा अब वो क्या रीजन है, अगर देख लेते हैं, इस बच्चे ने पहले आर्गुमेंट में एवोल्यूशन इन द बॉडी की हुई है लेवल वन वाली, ठीक है ना, की तो है ना, क्या दूसरे आर्गुमेंट में जो भी उसने दिया है उसमें एवोल्यूशन की हुई है, नहीं की, यहाँ इसने मिस किया हुआ है, ठीक है, चले ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने बॉडी में एवोल्यूशन करनी करनी है, ना करें, आप एंड पे कर लें, लेकिन अगर आप एंड पे कर रहे हैं तो उसमें आप समरी थोड़ी ना देंगे, फिर आपको बकायदा डेवलप्ड एवोल्यूशन करनी है डिटेल्ड, तो इसने डिटेल नहीं की, इसकी जो ज्यादा लाइंस हैं एक दो वो है रेपिटेशन जो उसने ऊपर किया हुआ है, लेवल थ्री तक वो पहुंचा, लेवल थ्री पे पहुंचा क्योंकि उसने वेव किया है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन ज्यादा डेवलप नहीं कर सका, इस वजह से क्या हुआ, अगर वो उसने ऊपर लेवल टू में कुछ ना कुछ एवेल्यूशन की होती दूसरे आर्गोन में लेवल टू तक, तो शायद ये मैक्सिमम नंबर ले पाता, तो इसका जो एक नंबर कटा है वो एवेल्यूशन का कटा है, क्योंकि या तो वो बॉडी में एवेल्यूशन कर देता सेकेंड आर्गोमेंट में, या फिर वो एंड पे जो एवेल्यूशन की हुई है वो समरी कम होती और पॉइंट की डेवलपमेंट ज्यादा होती, नए पॉइंट्स बताता उनको, फिर इसको चाहिए था बॉडी में मेंशन ना करता वो पॉइंट। मैंने क्या बताया हुआ है, एवेल्यूशन में वो पॉइंट्स मेंशन करें व्हिच आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ट्राई टू अवॉइड यूजिंग इट इन द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, बॉडी में फिर वो पॉइंट्स इस्तेमाल ना करें, वरना आप नीचे क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर तो आप यही करेंगे जो उसने किया, समरी बता दी और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो वो फिर पूरे नंबर इसलिए गेन नहीं कर सका, लेकिन उसने एक जगह लेवल वन वैल्यूएशन इस्तेमाल की हुई है तो वहां उसकी बचत थोड़ी हो गई है। तो आपको बताना ये जरूरी नहीं है कि आप बॉडी में वैल्यूएशन करें, लेकिन क्या मुश्किल है कि आप हर आर्गुमेंट के एंड पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर दें कि मेरे ख्याल में अगर मैं, क्योंकि ये इतना अच्छा आर्गुमेंट नहीं है, दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट कि वो एशियन फूड को सेल करे, और किसी में लिख दिया कि दिस इज लाइकली टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट, तो क्या एक लाइन लिखने में क्या जाता है हर आर्गुमेंट के, तो आपकी वैल्यूएशन बनती जाएगी ना, तो फिर आप जब एंड पे अगर थोड़ी कम भी करोगे तो आपकी बात बन जाएगी, वरना अगर आप बॉडी में नहीं कर रहे हैं तो एंड पे आपको फिर ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। राइट, आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का। सर लेवल 2 एंड लेवल 3 वैल्यूएशन